तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपने रेंज निकालने के अलग अलग मेथड्स पे जो हम चर्चा कर रहे थे। हमने मेथड वन पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा रिप्रेजेंटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड पे जो कि है ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल अप्रोच। तो ये अप्रोच आप तभी लगा पाओगे अगर आपको उस फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है या रफली आप उसका ग्राफ जज कर सकते हो। तो विद टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का। फिलहाल हम उस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जिनके ग्राफ्स आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम एक क्वाड्रेटिक लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है या पैराबोला भी आप बोल सकते हैं इसको, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला टाइप का, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका ग्राफ आप अच्छे से जानते हैं। सपोज मेरे को बोला जाता है इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, ठीक। डोमेन अगर मैं पूछता हूं, डोमेन का तो खैर कुछ खेल ही नहीं है, डोमेन है x बिलोंग टू r, कोई लंबाई नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं, कोई स्क्वायर रूट नहीं, कोई लॉग नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। बात कर रहे हैं रेंज की, तो इसकी रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप इसका ग्राफ बना सकते हैं तो आप इसके ग्राफ से रेंज जज कर सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है मैं उस पर थोड़ा सा आपको रिविजन करवाता हूँ, आपने 11th क्लास में सीखा हुआ ये चीज, बट फिर भी हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक। तो इसको देख के आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है, सर वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो फैक्टर्स हो जाएंगे x-1 x-3, ठीक है कर देते हैं, पर इससे आगे क्या, इससे आगे हम कुछ ज्यादा बात कर नहीं पाएंगे, इससे हम लोग रूट्स निकाल देते हैं तो दिख जा रहा है इसके रूट्स है 3 और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर देन दिस हम लोग ऐसा लगाते हैं, ऐसा करते हैं ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ना बोलते हुए हम लोग एक और चीज समझते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होता है। तो कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 कर दिया जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट और मिडिल कोएफिशिएंट में जो भी लिखा है उसका आधा। तो अगर 4 लिखा है तो उसका आधा 2 अपना a-b के स्क्वायर में अपने को मिलेगा। तो इसको रिवर्स सोचेंगे, x²-4x+4 चाहिए था, 10 3 है मेरे पास तो मैं +1 और -1 दूंगा इसको। तो ये सब 11th क्लास का स्टफ है आपका, अब इसको फिगर आउट कीजिए क्या लिखा है। अब इसको देख के हम लोग ये समझ सकते हैं, सर हमने पढ़ा था कि ये जो क्वाड्रेटिक होती है लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने पे ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होने पे ये x² कोएफिशिएंट नेगेटिव होने पे ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होता है। तो अभी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका अगर ग्राफ हम सोचें तो ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा। वो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला किधर बनाऊं मैं, एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, वाई एक्सिस को कहां काटेगा, ये सब चीजें डिफाइन होती है ये परफेक्ट स्क्वायर कैसा बना है उसके ऊपर और रूट्स के ऊपर। तो यहां से आप देख सकते हैं उसके रूट्स हैं 1 और 3। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे काट के जाएगा वो पॉइंट्स होंगे 1, 0 और 3, 0। फर्दर कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर आपको सिखाता है कि मिनिमा कहां है, हालांकि आपने इसके कोऑर्डिनेट्स शायद ब्लड रखे होंगे -b/4 और -b/4। तो ये अपना ग्राफ है, ठीक। ये ग्राफ बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है बट ग्राफ को देख के रेंज कैसे जज करें, तो रेंज समझिए और ग्राफ भी समझिए। ग्राफ क्या होता है पहले हम इस पे बात करते हैं। तो ग्राफ इज नथिंग बट y वर्सेस x का एक फंक्शन, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर ये ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट अपना इनपुट होगा और इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट अपना आउटपुट होगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, जैसे ये पॉइंट की बात करें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है y कोऑर्डिनेट -1 है, मतलब इस फंक्शन में x को 2 डालने पे y -1 आता है। यहां पे ये पॉइंट है 1, 0 मतलब 1, 0 मतलब x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को देखता हूं तो वो मुझे डोमेन बताएंगे, वो मुझे इनपुट्स बताएंगे और इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट देखता हूं तो वो मुझे आउटपुट बताएंगे, रेंज बताएंगे। तो आप सोचिए कि इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं। जैसे सपोज अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट क्या होगा 0 डालने पे आना है 3 0 3। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है, यहां पे y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4, यहां पे जैसे जैसे मैं पॉइंट्स लेते जाऊंगा उनके y कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएंगे, 3 से बढ़ते जाएंगे। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका -1 होगा, इसका 0 होगा, ऐसे करते करते हम चलते जाएंगे। तो क्या क्या y कोऑर्डिनेट्स आपको मिल पा रहे हैं, ये y कोऑर्डिनेट्स जो हमको दिख रहे हैं वो y कोऑर्डिनेट्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। -1 या उससे बड़े सारे y कोऑर्डिनेट हमको मिल रहे हैं, उससे छोटे नहीं मिल रहे, ठीक।
ये आपको ग्राफिकली जज करना है। इसको देखने का एक और तरीका ये भी होता है, जैसे हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था ये पता करने के लिए कि कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं, वैसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मेथड भी यूज कर सकते हैं रेंज निकालने के। हॉरिजॉन्टल लाइन का मेथड क्या होता है, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे सपोज एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं ऐसे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं ऐसे, तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू कांस्टेंट, सपोज y इक्वल टू 2, मतलब इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग नीचे से स्टार्ट करते हुए ऐसे सारे हॉरिजॉन्टल लाइन एक एक करके इमेजिन करो, जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को काटे, मतलब वो y बराबर कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट है y इक्वल टू लिखा वो रेंज में होगा। इसका मतलब कैसे, ये क्यों बोल रहा हूं मैं, जैसे सपोज y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 ने ग्राफ को यहां पे काटा और यहां पे काटा, तो ये जो पॉइंट जहां पे वो काट रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ होगा जो मुझे पता नहीं क्या होगा, बट कुछ तो भी होगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो वो जो कुछ होगा x कोऑर्डिनेट वो इनपुट डालने पे अपने को आउटपुट y 2 मिल रहा है, पर आउटपुट मिल रहा है 2, मतलब वो रेंज में है। तो सर कितनी बार काटे, एक बार काटे, दो बार काटे, तीन बार काटे, तो कितनी बार भी काट सकता है, कम से कम एक बार बस कटिंग हो जाए, कम से कम एक बार कटिंग हो जाए तो अपने को एक x तो मिल गया ना जिसपे आउटपुट y आ रहा है। तो आप लोग जैसे बताइए, क्या y बराबर -100, क्या इस पूरे डिस्कशन में y की वैल्यू -100 हो सकती है क्या? तो आप सोचेंगे सर x को 2 डालने पे ये मिनिमम अपना -1 दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी डाल तो -1 बड़ा होगा, तो लग तो नहीं रहा। उसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे, y बराबर -100 जहां होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इक्वल टू -100 ये ग्राफ कहीं कट नहीं कर रही, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है ग्राफ के ऊपर जिसका y कोऑर्डिनेट -100 है। आप धीरे धीरे ऊपर करो, y इक्वल टू -100, y इक्वल टू -10, y इक्वल टू -9, y इक्वल टू -8, यहां पे पहली बार टच करें y बराबर -1, तो y बराबर -1 अपने रेंज में आ जाएगा। और इसके बाद आप ऊपर लेके जाओ कितना भी, हमेशा आपको कहीं ना कहीं कटिंग पॉइंट मिल जाएगा, जैसे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, हमेशा आपको एक ना एक पॉइंट मिल जाएगा जिसपे आपका y कोऑर्डिनेट वो आउटपुट दे रहा है। तो ग्राफिकल मतलब ये होता है, अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो आप सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल स्कैन, हॉरिजॉन्टल स्कैन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ऊपर दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तीसरी, आप ऐसे ढेर सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस को इमेजिन करो, y इक्वल टू -10, y इक्वल टू -9, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, आप ऐसे एक स्कैनर चलाओ, एक नीचे से ऊपर ऐसे एक स्कैनर चलाओ, जब जब वो स्कैनर ग्राफ को कट करना चालू कर दे, कितनी जगह कम से कम एक जगह कट करना चालू कर दे, समझ जाना वो y बराबर k, वो y बराबर कांस्टेंट रेंज में रखना है, और अगर नहीं काट रहा तो रेंज में नहीं रखना है। तो ये अपना मेथड रहेगा ग्राफिकल। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपने मेथड्स जो हम डिस्कस कर रहे थे रेंज निकालने के। तो अब तक हमने दो मेथड्स डिस्कस किए हैं, पहला था रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल अप्रोच, आज हम तीसरे मेथड पे बात करते हैं जो अपने को यूज होगा रेंज निकालने के लिए। तो थर्ड मेथड है यूज ऑफ मोनोटोनिक नेचर। वैसे तो ये चैप्टर हम आगे AOD में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इसका हम वो वाला सेगमेंट जो अपने काम का है उस पर अभी चर्चा करते हैं। तो मोनोटोनिक नेचर होता क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग फंक्शंस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पे चर्चा करेंगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब सिंपल जो आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल वैसे प्योर हम सिंपली बात करते हैं, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है और f इज डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो सिंपली जैसे अपन को पता है कि फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, y वर्सेस x ग्राफ कुछ होता है, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे हम लोग इनपुट्स x कोऑर्डिनेट बढ़ाते हैं तो y कोऑर्डिनेट्स या तो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं या कांस्टेंट रह सकते हैं। जैसे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ नेगेटिव x कंसिडर करता हूं, अगर मैं ये वाली ब्रांच कंसिडर करता हूं, तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स के इन सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट अगर आप इमेजिन करते हैं तो इनके x कोऑर्डिनेट हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो बढ़ेंगे। तो जैसे लेफ्ट राइट हम चल रहे हैं, जैसे ये लेट से -2, 4, -1, 1 और 0, 0, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूं इसका ग्राफ या इसका जो पाथ है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है। और जैसे मैं यहां से लेके आगे बढ़ता हूं, जैसे 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड सो ऑन, तो यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट बढ़ रहे हैं और y कोऑर्डिनेट भी सो ऑन बढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस रीजन।
तो इन शॉर्ट जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अगर उस फंक्शन के y कोऑर्डिनेट या अगर हम सिंपल सी बात करें सर जो दिख रहा है ग्राफ नीचे आता हुआ नजर आ रहा है तो डिक्रीजिंग, ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो इंक्रीजिंग, इसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बोलते हैं। तो ये तो तब जब हमको ग्राफ एक्चुअली दिख रहा है, अगर हमको ग्राफ नहीं दिख रहा, हमको एक फंक्शनल इक्वेशन या एक लेट से फंक्शन ही दे रखा है, रूल दे रखा है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो उसका रूल सिंपल सा ये होता है कि उसका हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। जब उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव रहेगा एफ इंक्रीजिंग कहलाएगा, जब जब उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा तब तक फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग सर व्हाट अबाउट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, जब डेरिवेटिव जीरो होता है तब क्या होगा। तो जैसे फिजिक्स में आपने हल्का फुल्का लेवल में पढ़ी रखा होगा मैक्सिमा मिनिमा वाली चीजें कि मैक्सिमा मिनिमा जब बनते हैं तब क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है और फिर आप डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके जज करते हैं कि मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा बन रहा है, तो वो वाली चीजें। तो ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन करें तो दिस थिंग या दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर विल हेल्प यू टू एक्चुअली कर्व, विल एक्चुअली हेल्प यू टू प्लॉट द कर्व। आपको कर्व स्केचिंग में मदद करेगा, हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट अभी बेसिक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये कर्व स्केचिंग की कैसे जाती है या हम लोग जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर है इसको अपने पर्पस के लिए, अपने रेंज निकालने के लिए कैसे यूज करें। तो हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, हमने निकाली थी रेंज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसका हमने जब ग्राफ बनाया था और ग्राफ से हमने इसकी रेंज जज की थी। अब बात यह है कि वो तो हमने 11th में आपको बता दिया कि भाई इसका ग्राफ एक ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट माइनस पी बाई टू कॉमा माइनस डी बाई फोर होते हैं, सब चीजें हम आपको बता बता के एक्चुअली आपने दिमाग में रट ली है, बट कभी सोचा है कि ऐसा क्यों आता है, क्यों लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने पे ओपनिंग अपवर्ड्स ही होता है, क्यों लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होने पे ओपनिंग डाउनवर्ड्स ही होता है। ये सब बातें कनेक्ट होती हैं डेरिवेटिव या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर से। तो अगर हम ये मोनोटॉनिक नेचर या डिफरेंशिएशन वाली चीज की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखते हैं कि हम उसका कर्व कैसे प्लॉट कर पाएंगे। तो लेट से हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बेसिक्स आपको आते हैं इतना आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो डिफरेंशिएशन होगा इसका 2x माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम वो पॉइंट्स जज करने की कोशिश करेंगे जब f डैश पॉजिटिव है और वो पॉइंट्स जज करने की कोशिश करेंगे जब f डैश नेगेटिव है, विच विल हेल्प अस टू जज कि वो कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ बनता है ऐसा, अगर dy by dx पॉजिटिव है या f डैश x पॉजिटिव है इसका मतलब x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए और dy by dx अगर नेगेटिव है इसका मतलब x less than 2 होना चाहिए और dy by dx equal to 0 करेंगे तो वो x equal to 2 देगा। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इसका कर्व स्केच करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे कर्व बनाऊंगा, मेरे लिए ये x equal to 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो x equal to 2 पे क्या हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 से बड़े नंबर्स के लिए हम लोग बोलेंगे अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है और 2 से कम के लिए हम बोलेंगे अपना फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 पे एक बहुत काम की चीज कुछ हो रही होगी, शायद मिनिमा मैक्सिमा बनते हो या कुछ और होता हो, तो इसलिए हम लोग सबसे पहला काम करेंगे 2 इनपुट पे आउटपुट क्या रहा है ये जज करेंगे। तो आप लोग बताइए अगर x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, तो वो आएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3 विच विल बी माइनस 1। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट अपना प्लॉट कर लेंगे 2, -1। 2 कॉमा माइनस 1 से अपना ग्राफ पास होता है और साथ ही साथ इस पॉइंट के अबाउट कुछ मोनोटोनिसिटी या कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का खेल होता है। तो खेल क्या होता है वो समझते हैं। अब क्योंकि 2 से बड़े नंबर्स पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब अगर मैं यहां से एक और पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मैं नीचे नहीं जा सकता, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग नेचर को इंटैक्ट रखना है। और साथ ही साथ अगर हम x less than 2 की बात करते हैं तो 2 से छोटे नंबर्स मतलब 2 से लेफ्ट में अपना फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये फंक्शन ऊपर से कुछ इस तरीके से आया होगा। अब ये y एक्सिस को और x एक्सिस को एग्जैक्टली कहां पे काट रहा है उसके लिए अपने को इसकी और एनालिसिस करनी पड़ेगी जो आपने क्वाड्रेटिक में अच्छा खासा पढ़ रखा है। तो जैसे 0 डालने पे आ रहा है आंसर 3, इसका मतलब ये y एक्सिस को ऊपर से काट के आता होगा 0, 3, और रूट्स वगैरह निकालना आपको आते हैं, जैसे मुझे इसके रूट्स नजर आ रहे हैं 1 और 3, तो इसका मतलब ये 1, 0 और 3, 0 से पास होता होगा। तो इन शॉर्ट ये जो है ये आपको सिखाता है कि ग्राफ बनते कैसे हैं या उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर आपको ये बताता है, रफली एक रेंज निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अगर एक बार आपने ग्राफ बना दिया तो इस ग्राफ को देख के आप बहुत इजीली रेंज बता सकते हो। कैसे, सर अगर यहां से देखे 2 तक के डिक्रीजिंग है तो इतने से पोर्शन का रेंज हो जाएगा इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट,
इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट माइनस वन या उससे बड़े हैं और इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट भी माइनस वन या उससे बड़े हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग आंसर क्या बोलेंगे, अपना रेंज y विल बिलोंग टू द इंटरवल माइनस वन से इनफाइनाइट, इससे छोटे वाले आंसर नहीं ले पाएगा। और ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। अब हम इस पे और भी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम शायद एग्जैक्टली ग्राफ ना बना पाए बट एक रफ नेचर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर अपने को बता देगा कि उसका ग्राफ दिखता कैसा होगा रफली, और उसकी मदद से हम लोग रेंज जज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग बात करते हैं, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू 3 पावर x स्क्वायर माइनस x। तो अभी अगर मैं आपको डोमेन निकालने को बोलता तो आप डोमेन के लिए बहुत इजीली जज कर लेते हैं, आप बोलते 3 पावर को तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल्स जो होते हैं, जो a पावर x टाइप के फंक्शन होते हैं, उनका कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, उनका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है, और ऊपर क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस x तो उसको भी कोई पंगा नहीं है, मतलब सर डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होगा, हर इनपुट x के लिए अपना आउटपुट y वेल डिफाइंड होगा। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या हम इसका ग्राफ जानते हैं, तो नहीं, हम इसका ग्राफ अभी एक डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं है तो हम इसका ग्राफ नहीं बता सकते, तो ग्राफिकल अप्रोच थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ट्रिवियल नहीं रहेगा। फिर क्या हम एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ शायद कर सकते हैं, लॉग की मदद हमें लेनी पड़ेगी, बट आगे जाके क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक हमें परेशान करेगा, अगर यह क्वाड्रेटिक नहीं होता सिर्फ एक लीनियर सा होता तो शायद हम फटाफट एक्स को वाई के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर लेते। तो इन शॉर्ट जो अपना थर्ड मेथड है वो सबसे पावरफुल मेथड है क्योंकि उसकी मदद से आप कहीं ना कहीं ग्राफ भी बना ही सकते हो। तो आइए हम लोग डेरिवेटिव की मदद से थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं। इसका अगर मैं dy / dx निकालता हूं, डेरिवेटिव निकालता हूं व्हिच इज नोन एज f' x, तो क्या होगा, इसमें आपका बेसिक सा चेन रूल लगेगा, 3 पावर x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा 3 पावर x स्क्वायर माइनस x * ln 3, गेट इनटू द ब्रैकेट कंपोजिशन वाला लॉजिक, या बेसिक आपने इतना फिजिक्स में पढ़ रखा है 11 में, देखो 11th में फिजिक्स में आपने जो चीजें पढ़ रखी है उससे अभी अपना काम चल जाएगा, फिर जैसे जैसे अपन प्रॉपरली मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे आपको याद हो, तो 3 पावर x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन ये रहेगा एंड वी हैव टू गेट इनटू द ब्रैकेट और x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ बन के निकल के आ जाता है। अब क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो हम चाहेंगे चेक करना कि ये f'x कब कब पॉजिटिव होता है और ये f'x कब कब नेगेटिव होता है। तो f'x पॉजिटिव करने के लिए हम लोग सोचेंगे कि ये और ये इन तीनों चीजों का प्रोडक्ट क्या है, 3 पावर एनीथिंग, ये कुछ भी हो जाए 3 पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जैसे 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर -1, 3 पावर -2, आप जो भी कंसीडर करते हैं 3 पावर एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0 से बड़ा, विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका तो अपने को टेंशन नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ln 3 log 3 बेस e विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो अपने को इसका भी कोई टेंशन नहीं है, सारा खेल यहां पे छुपा हुआ है। तो इसको पॉजिटिव या नेगेटिव करके हमें मिलेगा x ग्रेटर देन हाफ, इसको मिलेगा x लेस देन हाफ, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं हाफ एक क्रिटिकल पॉइंट है, हाफ पे कहानी बदल सकती है। तो अब सबसे पहला काम कीजिए आप f ऑफ हाफ जज कर दीजिए कि हाफ इनपुट पे आउटपुट कितना आता है, तो हाफ इनपुट डालने पे आउटपुट आता है 3 की पावर -1/4, 3 पावर -1/4 जो है यहां से सारा खेल बिल्ड होगा। अब मुझे एग्जैक्ट ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट ग्राफ जज कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हाफ कॉमा 3 पावर -1/4 प्लॉट कर लेता हूं, थोड़ा इसको सजा के लिख लेते हैं, कुछ ऐसा होगा ये, और अब इसके अबाउट आपको नेचर जज करना है, अगर इससे बड़े एक्स हैं तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब यहां से ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और इससे छोटे एक्स हैं तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो पैराबोला बोलना तो गलत होगा, पैराबोला नहीं होगा बट उसके जैसा सही कुछ होना चाहिए। तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, अच्छा एक और चीज, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे भी आपको जज करते आना चाहिए, जैसे कोई ये भी तो बोल सकता है सर ठीक है ये तो समझ में आ गया कि घटते हुए बढ़ रहा है, बट व्हाट अबाउट कि ये बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कैसे बोल सकते हैं, हो सकता है ये कुछ ऐसा जाके स्थिर हो जाए या हॉरिजॉन्टल असेंडेंट टाइप का बन जाए, तो उसको जज करने के लिए आपको थोड़ा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे भी देखना पड़ेगा। आप सोचिए अगर एक से बहुत बड़ा नंबर लेट्स से 100,000, 10,000, 1 करोड़ टाइप का, तो ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जो है
ये इनफाइनाइट पे जाने की कोशिश करेगी और 3 पावर बहुत बड़ा नंबर जो है वो भी इंफिनिटी टाइप का रहेगा, तो ये ऊपर इनफाइनाइट पे जाएगा। और सिमिलरली अगर x -10 -100 -1000 -10 करोड़ -इनफिनिटी टाइप का x है तो ये क्वाड्रेटिक भी इनफाइनाइट पे जाने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि सर इसका ग्राफ हमें अलग से पता है, ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है तो बाउंड्रीज पे ये इनफाइनाइट टाइप का आउटपुट देता है, तो 3 पावर इनफिनिटी भी इनफिनिटी टाइप का आउटपुट देगा। तो अगर आपने ग्राफ स्केच कर लिया तो ग्राफ से आप बहुत इजीली आंसर बता सकते हैं, y will always be greater than or equal to this quantity 1/4√3। तो अपना फाइनल आंसर रहेगा कुछ ऐसा और यही अपनी रेंज हो जाएगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल पे चर्चा करते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रोफाइल जो रेंज में इन्वॉल्व होता है। तो जैसे कि आप 11th क्लास से जानते हैं कि जो अपने फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो बाउंडेड से होते हैं, जो अपना साइन एक्स और कॉस एक्स होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, और इनका एक कॉम्बिनेशन जो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है उसकी रेंज होती है -√a² + b² से +√a² + b². अच्छा ये कहाँ से आता है, आपने रट तो लिया है 11th क्लास में पर उसको समझोगे कैसे आता है, ये क्यों आता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरीके सा है कि जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं यहाँ कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है साइन एक्स और कॉस एक्स, सेम एक्स का साइन और कॉस दिया है विद सम कोएफिशिएंट्स ए और बी और ऐड करके रखा है, ए साइन ऑफ समथिंग प्लस बी कॉस ऑफ समथिंग, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो सकता है, फिर 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, x बाय 2 हो सकता है, कुछ भी, बट ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है ऐसा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन ए और बी का पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि √a² + b² हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का बन जाता है, मैंने इसमें √a² + b² ये मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई यहां पे किया है, ये sin x लिखा है और सिमिलरली प्लस में ये वाला चीज जो है मल्टीप्लाई किया है, तो ये ब्रैकेट अपन हटा देते हैं कॉमन के तौर पे, प्लस b / √a² + b² के साथ cos x, तो क्या होगा ये और ये सेम चीज है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको रीड कर पाए, ये sin x है और ये cos अल्फा है और ये cos x है और ये sin अल्फा है। अब ये मैं कहां से sin अल्फा cos अल्फा बोल रहा हूं, मैं इसको अगर एक ऐसा एंगल, क्योंकि a और b गिवन होते हैं तो मैं हमेशा एक एंगल अल्फा सोच सकता हूं जिसका कॉस अल्फा ये नंबर है, ये नंबर हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 के बराबर रहेगा और ये साइन अल्फा, तो अगर ये कॉस अल्फा है तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने उस तरीके से इसको बना दिया, हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना दिया, हमने क्यों √a² + b² मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि अपने को एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंप्लीट हो। अगर ये अल्फा है तो मैंने क्या किया, इवेंचुअली मैंने हाइपोटेनस √a² + b² डिवाइड करके अगर इसको cos अल्फा बोलता हूं तो ये बेस a है, इसको sin अल्फा बोलता हूं तो ये परपेंडिकुलर b है। इस ट्रायंगल को देख के आप बता सकते हैं a है बेस, b है परपेंडिकुलर, इस अल्फा एंगल के लिए a और b के स्क्वायर का सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहां पे लिखा है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये cos अल्फा और ये sin अल्फा। तो ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं ये जो चीजें फैली हुई है, ये चीजें जो फैली हुई है इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकूं, ये लिखा है sin x cos अल्फा + cos x sin अल्फा, तो ये sin a + b का फार्मूला हो गया, क्या होता था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये लिखा है साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो क्योंकि हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं -1 से 1 वाला, उसी की मदद से हम बोल सकते हैं सर ये चीज क्योंकि -1 से 1 के बीच में लाई करती है, अगर कोई नंबर -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो उसमें मैं अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -3 से 3 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -8 से 8, इन शॉर्ट अगर ये मल्टीप्लाई कर दूंगा ये पूरा नंबर -√a² + b² से +√a² + b² तक जाएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया, क्यों, क्योंकि अपने को क्वेश्चंस में फाइनली आंसर्स जो ये रिजल्ट्स हैं यही अपने को यूज होंगे, sin x -1 से 1 cos x -1 से 1, और ये चीज यहां से यहां तक लाई करती है। इसको यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से बनते हैं, आपने ये क्वेश्चंस 11th क्लास में भी किए होंगे नो डाउट, बट हम लोग एक बार कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट के लिए यहां पे इसको लेते हैं। तो जैसे मेरे को अगर इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, ठीक, तो इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एकदम इनर मोस्ट से चालू करूंगा, मैं अपना ऑब्जर्वेशन स्किल लगाऊंगा कि भाई ये साइन एक्स है इसके बारे में मैं कुछ जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो मैं अपना प्रॉब्लम ही यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आई नो दैट साइन एक्स इज अ क्वांटिटी व्हिच लाइज बिटवीन -1 से 1, फिर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा,
कैसे? अगर साइन एक्स माइनस वन से वन है तो आई एम मल्टीप्लाइंग माइनस टू ऑन ऑल द साइड्स, आई एम मल्टीप्लाइंग माइनस टू ऑन ऑल द साइड्स। सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई अ नेगेटिव क्वांटिटी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने सब में माइनस टू मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें माइनस टू मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें माइनस टू मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें माइनस टू मल्टीप्लाई कर दिया और इनइक्वालिटी के साइन चेंज कर दिया। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, हमें चाहिए फोर माइनस टू साइन एक्स, तो ये बनाने के लिए हम लोग वी विल एड फोर ऑन ऑल द साइड्स। मैं क्या करूंगा, आई एम एडिंग फोर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो ये मैंने फोर एड कर दिया सब में, तो प्लस फोर करने पे ये कुछ ऐसे नंबर्स बन जाएंगे। तो ये बन गया। अब अपने को इसका रेसिप्रोकल भी लेना है। तो आप सोचिए अगर ये क्वांटिटी टू और सिक्स के बीच में फंसी हुई है, मतलब कोई नंबर है जो टू और सिक्स के बीच में, लेट्स से टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस टाइप के कुछ नंबर्स हैं, तो इनके रेसिप्रोकल क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग को वन अपॉन करना है। तो टू का रेसिप्रोकल होता है वन बाय टू, थ्री का रेसिप्रोकल होता है वन बाय थ्री, फोर का रेसिप्रोकल होता है वन बाय फोर एंड सो ऑन। इसका मतलब जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाते जाऊंगा तो उनके रेसिप्रोकल्स घटते जाएंगे। तो रेसिप्रोकल में भी ये चीज लागू होती है कि आप बाउंड्री बाउंड्री पे तो रेसिप्रोकल ले लो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव खेल रहे हो, अगर कोई पॉजिटिव नंबर, देखो ये पॉजिटिव है ना, तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर, क्योंकि टू से सिक्स के बीच में, तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है टू से सिक्स के बीच में तो उसका रेसिप्रोकल हम डायरेक्टली बाउंड्रीज पे ले लेंगे और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। टू का रेसिप्रोकल वन बाय टू, थ्री का रेसिप्रोकल वन बाय थ्री, फोर का वन बाय फोर, फाइव का वन बाय फाइव और सिक्स का वन बाय सिक्स। मतलब जब ये अपना मिनिमम लेगा टू तो उसका रेसिप्रोकल मैक्सिमम लेगा वन बाय टू, और जब ये अपना मैक्सिमम लेगा सिक्स, ये वाला अपना मैक्सिमम लेगा सिक्स तो इसका मिनिमम वन बाय सिक्स। तो इन शॉर्ट हमने वाई बना दिया, यही तो अपना वाई है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाई का जो रेंज है या जो वाई का सेट ऑफ वैल्यूज है जो निकल के आता है, जो रेंज निकल के आती है वो आएगी वन बाय सिक्स से वन बाय टू। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इनर मोस्ट एक साइन एक्स से स्टार्ट करते हुए हमने y बनाने की कोशिश की, और y बन जैसे ही बन गया उस वाले टर्म को हमने y लिख के वही अपना आंसर रिपोर्ट कर दिया कि अपना रेंज 1 बाय 6 से 1 बाय 2 होगा। आइए इसी को हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है अपना, y इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4। तो अभी फोर्थ पावर में तो कोई रिजल्ट नहीं है अपने पास, तो हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगाना पड़ेगा, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो रिवाइज कर लो, 11th क्लास के पास धो जरा, ठीक। ऐसे नहीं चलेगा कि आपको रिजल्ट याद नहीं और आप आगे 11th क्लियर होगा तभी तो आप 12th पे आगे फोकस कर पाओगे, ठीक। ये मैंने क्या किया, ये मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाया। कहां से आता है ये, हम लोग इसको रीड करते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको रीड करते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट वाला तो ये रहा, और जो एड किया हुआ है ना वो बन जाता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो sin square plus cos square का whole square is 1। तो ये वहां से इस standard result का derivation होता है, पर अपने को याद रखना। अच्छा, ऐसा एक और result था, मैं आपको revise कराता हूं। sin x की power 6 plus cos x की power 6, वो क्या होता था, वो भी कुछ ऐसा ही होता था, बस होता था 1 minus 3 sin square cos square। Further, अब ये sin और cos फैले हुए तो इनको और collect करते हैं, और collect कैसे करेंगे अपन, collect अपन कुछ इस तरीके से करेंगे, we will read something like this, कि 2 sin x cos x का whole square। ये मैं साइन टू थीटा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। तो साइन एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर, आई थिंक टू मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए हाफ भी देना पड़ेगा। तो ये इवेंचुअली बन जाता है वन अपॉन वन माइनस साइन टू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू। नाउ आई कैन स्टार्ट माई प्रॉब्लम फ्रॉम हियर। अब मैं यहां से इसको स्टार्ट कर सकता हूं, कैसे, कि मैंने अब जो एक्स फैले हुए थे जो दूर दूर थे उनको कलेक्ट करके एक सिंगल यूनिट बना दिया। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा ही प्रोसीजर बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग sin 2x से। तो आप लोग बताइए sin 2x की रेंज क्या होगी, sin 2x क्या है? तो भाई है तो sin theta ही ना, किसी भी चीज का sin theta किसी भी theta के लिए sin theta minus 1 से 1 होता है, चाहे वो x हो 2x हो 4x हो 5x हो कुछ भी। तो हम स्टार्ट करेंगे कि sin 2x minus 1 से 1 होता है, और फिर हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे। तो आप लोग बताइए फिर साइन टू एक्स अगर माइनस वन से वन है, अगर कोई नंबर माइनस वन से वन है तो उसका स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। प्लीज थिंक ओवर इट कि जो स्क्वायर्स हैं वो क्या क्या होंगे। तो यहां लिख लेते हैं माइनस वन से वन है अपना साइन टू एक्स, कोई नंबर अगर माइनस वन से वन के बीच में तो इनके स्क्वायर्स क्या क्या हो सकते हैं। माइनस वन से जीरो वाले नंबर्स के स्क्वायर पॉजिटिव जीरो से वन होंगे, और जीरो से वन वाले भी कुछ इस तरह। आपका बेसिक मैथ्स है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक। आप एग्जांपल ले लो -1 -0.9 -0.8
-0.7 एंड सो ऑन -0.1 से 0 फिर 0.1 0.2 0.3 ये सब के स्क्वायर्स करके देखो क्या-क्या आ रहा है ट्राई टू मेक अ फील ऑफ द थिंग्स फिर ये हो गया फिर अपने को इसका माइनस हाफ करना है तो मल्टीप्लाइंग माइनस हाफ ऑन ऑल द साइड्स सॉरी आई एम मल्टीप्लाइंग माइनस हाफ ऑन ऑल द साइड्स तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस हाफ में मल्टीप्लाई करता हुआ चलूंगा तो ये क्वांटिटी जो बनेगी ये कुछ ऐसी बन जाएगी मल्टीप्लाइंग माइनस हाफ ऑन ऑल द साइड्स एंड देन वी नीड टू ऐड 1 तो हम लोग 1 ऐड करेंगे ऑन ऑल द साइड्स एडिंग प्लस 1 ऑन ऑल द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी तो अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 माइनस हाफ होता है प्लस का हाफ और ऐसा बन गया फिर अपने को क्या करना है अब अपने को इस चीज का रेसिप्रोकल लेना है तो आप बताइए अगर कोई क्वांटिटी 1 से हाफ के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 हाफ का रेसिप्रोकल 2 साइन हो जाएगी चेंज और ये चल जाएगा 1 अपॉन ये सब हम तभी कर पाएंगे अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए तो फिर वो जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड वाला चीज फंस सकता है तो ये हो गया अपना रेसिप्रोकल और यही अपना वाई है तो हम लोग क्या लिखेंगे वाई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 से 2 और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा तो हमने किया क्या हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जहां तक हम कर पा रहे थे और फिर एक स्टार्ट मिल गया हमें कि भाई साइन 2x के बारे में जानता हूं इसकी मदद से मैं कंस्ट्रक्ट करते हुए चलूंगा दो सेट ऑफ चीजें पहला तो है सिंप्लीफिकेशन और फिर इसको देख के यहां से एक स्टार्ट लेके उसको कंप्लीट करके वाई बनाने की कोशिश करना आइए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक थर्ड एग्जांपल और लेते हैं फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन कुछ लॉग और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स कर देते हैं अगर कोई आपको बोलता है कि इस चीज का रेंज निकालिए लेट्स से sin x - cos x + 3√2 / √2 कुछ इस टाइप का अगर आपको बोला जाता है कि इसका रेंज निकालो तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे आप लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखना चाहिए तो इसके लिए मेरे को एक स्टार्ट चाहिए जब भी आपको एक स्टार्ट मिल जाए तो समझ जाना रेंज बहुत इजीली निकल जाएगी बट वो स्टार्ट ही इज द ट्रिकी पार्ट तो क्या स्टार्ट मिलेगा क्या मैं sin x से स्टार्ट करूं क्या मैं cos x से स्टार्ट करूं नहीं मैं दोनों के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करूंगा मैं स्टार्ट करूंगा a sin x + b cos x मुझे पता है ये कहां से कहां होता है ये होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ए और बी आप आइडेंटिफाई करो ताकि अपने टाइप का एक्सप्रेशन बन जाए अब जितना वो एक्सप्रेशन बन जाए तो ए अपन क्या रखेंगे 1 और बी अपन रखेंगे माइनस 1 तो ये अगर हम लेके चलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अपना ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू होगा माइनस रूट टू से प्लस रूट टू बस एक स्टार्ट मिल गया आगे रखिए बड़ा सिंपल हो जाएगा अब हम अपना वाई बनाने की कोशिश करेंगे अगर अपने को इसका रेंज निकालना है तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं क्या करेंगे हम लोग वी विल ऐड 3√2 ऑन ऑल द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी हमको अगर 3√2 करके ये सब बनाना है तो हमको इसमें 3√2 ऐड करना पड़ेगा तो 3√2 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये बन जाता है 2√2 ये हो जाएगा sin x - cos x + 3√2 और ये हो जाएगा 2√2 + 3√2 दैट इज 4√2 उसके बाद क्या करना है हमें √2 से डिवाइड करना है तो डिवाइडिंग √2 ऑन ऑल द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देखो ये सब बेसिक आपके स्टफ है बेसिक मैथ्स है आप कांस्टेंट ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है अगर नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव है सब कुछ तो रेसिप्रोकल ले सकते हैं नेगेटिव साइन चेंज करना पड़ेगा नेगेटिव है तो अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा तो ये बन गया अपना नहीं ये वाई नहीं बनाया अभी अपने को लॉग भी लेना है अच्छा लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ठीक तो जब ये अपना मिनिमम लेगा 2 तब लॉग अपना मिनिमम आउटपुट देगा और जब ये अपना मैक्सिमम लेगा 4 तो लॉग भी अपना मैक्सिमम लेगा तो इन शॉर्ट y की मिनिमम वैल्यू होगी जब लॉग के अंदर मिनिमम क्वांटिटी आएगी मतलब 2 और y अपना मैक्सिमम देगा जब लॉग के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी आएगी दैट इज 4 तो लॉग 4 बेस्ड होता है 2 तो हम ये बोल सकते हैं जो अपना आंसर रहेगा फाइनल y का जो रेंज होगा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज 1 से लेके तो इस तरीके से हमने क्या किया हमने ट्रिग्नोमेट्री और लॉग को मिक्स करते हैं कॉन्सेप्ट वही है लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर बेस 1 से बड़ा है तो मिन और मैक्स पे देख लो आप और ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे तो ये थे हमने रेंज के वेरियस प्रॉब्लम्स और वेरियस प्रोफाइल